परीक्षा के दौरान बिहार शरीफ के एक परीक्षा केंद्र पर अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। दरअसल पूरा मामला ये था कि बिहार के नालंदा जिले में 500 छात्राओं के बीच 12वीं कक्षा का एक छात्र परीक्षा हॉल में बेहोश होकर गिर गया। छात्र की पहचान 17 वर्षीय मनीष शंकर प्रसाद के रूप में हुई। अजीबोगरीब स्थिति तब बन गई जब इस बेहोशी की असल वजह पता चली। आपको बता दें कि बेहोश होने की असल वजह किसी परीक्षा का डर नहीं था, जैसा कि आप सोच रहे होंगे, बल्कि ये छात्र परीक्षा देने पहुंचा और छात्राओं के बीच खुद को अकेला पाकर बेहोश हो गया। आनन फानन में छात्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि बिहार शरीफ के अल्लामा इकबाल कॉलेज के छात्र मनीष शंकर का इंटर परीक्षा का केंद्र ब्रिलियंट स्कूल में पड़ा था। मनीष सुबह परीक्षा केंद्र पर गया तो देखा कि उसके केंद्र पर सिर्फ छात्राएं हैं। करीब 500 छात्राओं के बीच अकेला खुद को पाकर छात्र परेशान होने लगा और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गया। दरअसल परीक्षा फॉर्म भरते समय मनीष ने मेल कैटेगरी की जगह फीमेल डाल दिया था, जिसकी वजह से ये पूरा वाक्य हुआ। बोलो ना, बोलो जो कुछ नहीं तो बोलो। तुमको घबराहट हो गया, माथा में दर्द हो गया, बोलो। आगे दर्द है, माथा में दर्द है, ठंडा है। सेंटर कहाँ गया था? बोलो कहाँ से तो बोलो। वो लड़की के बीच में आपको एक ही लड़का को सेंटर मिला? हाँ हाँ, एक ही। इसीलिए घबरा गया? गया था अब एग्जाम देने के लिए, देखो था तबीयत खराब हो गया ज़्यादा, माथा में दर्द हो गया, घबराहट हो गया, फीवर आ गया। और एक लड़का 500 लड़की के बीच में एक लड़का को दे दिया, लड़का है 500 लड़की की जगह पर एक लड़का को दे दिया, तो घबराहट हो गया। और पूरा हॉल में दे दिया, आगे सब सेंटर था, घबराहट हो गया। कौन से स्कूल में? ब्रिलियंट कॉलेज। लड़ा था कि मेरा भतीजा है, 520 के लड़की बीच में एक लड़का हुआ, इसका घबराहट हो गया, बेहोश टाइप हो गया था, एम्बुलेंस द्वारा इसको लाया गया है। दस हाँ, इसी कारण हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज़।